टेलीविजन का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट डोज अब वापस आ गया है क्योंकि कलर्स अपने मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है। कई वक्त से शो को लेकर काफी ज्यादा बज है, हालांकि अब फैंस की इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है क्योंकि 15 अक्टूबर यानी आज से सलमान खान की ओर से होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 17 ग्रैंड प्रीमियर के लिए तैयार है। बीते दिनों मेकर्स ने शो के कुछ प्रोमो जारी किए हैं जिसमें हमें टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ी अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की झलक देखने को मिली। इसके अलावा कई और कंटेस्टेंट हैं जिनके नाम अब सामने आ चुके हैं और लगभग कंफर्म भी हो चुके हैं। इन नामों में शामिल हैं अंकिता लोखंडे और विक्की जैन, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट, ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारूकी, अनुराग डोभाल उर्फ यूके राइडर, मन्नारा चोपड़ा, जिग्ना वोरा, सनी आर्या उर्फ तहलका प्रैंक, मनस्वी ममगई, ऋषि धवन। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि इन कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज्यादा फीस कौन ले रहा है बिग बॉस 17 के लिए। आपको बता दें, जो फीस ली गई है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हर बार यही देखा जाता है कि आप लोग यानी दर्शक कंटेस्टेंट्स के नाम के साथ उनकी फीस को जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे उन दो कंटेस्टेंट्स की जिनकी फीस का खुलासा हो चुका है। इनकी फीस जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता लोखंडे और मुनव्वर फारूकी को सबसे ज्यादा फीस ऑफर की गई है। इतनी फीस की बिग बॉस के इतिहास में इतना पैसा किसी को नहीं दिया गया है, ये भी दावा हो रहा है। अंकिता लोखंडे अब तक की वन एंड ओनली हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है। उन्होंने बिग बॉस 17 के घर में एक हफ्ता गुजारने के लिए लगभग 12 लाख रुपए चार्ज किए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर फारूकी को एक हफ्ते के लिए 7 से 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले किसी भी कंटेस्टेंट को इतना पैसा नहीं दिया गया है। हालांकि फीस को लेकर अंकिता और मुनव्वर की तरफ से कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी फीस लेने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा ऐश्वर्या शर्मा और कई यूट्यूबर्स इसमें शामिल हैं जिनको अच्छा खासा पैसा बिग बॉस 17 की तरफ से दिया जा रहा है। आपको बता दें, जियो सिनेमा अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के 24/7 ड्रामा से भरपूर मनोरंजन की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रहा है। जियो सिनेमा ने अनाउंसमेंट किए कि प्लेटफॉर्म मल्टीपल कैम एक्शन के साथ सेलिब्रिटीज रियलिटी शो की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में दिखाएगा। बिग बॉस का आने वाला सीजन कलर्स टीवी पर भी फैंस के लिए अवेलेबल होगा। हालांकि जिनके पास टीवी नहीं है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस 17 के बारे में और इनके कंटेस्टेंट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।